अगर आप उनमें से हैं जो अपने हाथों और पैरों को नजरअंदाज करते हैं, पेश है ये 4 स्टेप रूटीन उनकी देखभाल के लिए। एक एक्सफोलिएटिंग स्क्रब आपकी त्वचा पर मौजूद सभी गंदगी और डेड सेल्स को हटा देगा। एक चम्मच कसा हुआ अदरक ले और उसमें 1 चम्मच चीनी डालें, 2 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच नींबू का रस और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें। 3 मिनट तक इसे अपने हाथों पर स्क्रब करें और फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा में नई जान भर देता है। चीनी एक्सफोलिएट करती है जबकि नींबू त्वचा को शुद्ध करके चमक बढ़ाता है और नारियल तेल पोषण देते हुए रिपेयर करता है। 5 चम्मच बेबी ऑयल ले और उसमें 3 चम्मच समुद्री नमक मिलाएं। त्वचा के डेड सेल्स और गंदगी निकालने के लिए इसे कम से कम 5 मिनट तक स्क्रब करें। एडियो पर खास ध्यान दें। नमक त्वचा से डेड सेल्स और गंदगी निकालेगा, बेबी ऑयल नाजुक त्वचा और सूखे हिस्सों को रिपेयर करेगा। अपने थके हुए हाथों और पैरों को शानदार मास्क में कवर करने से वो उनमें एक नई ऊर्जा भर देगा। 2 चम्मच दालचीनी, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल और कुछ बूंदे लेमन एसेंशियल ऑयल के मिक्स करें। इन्हें मास्क की तरह अपने हाथों पर 10 से 15 मिनट तक लगाएं। दालचीनी एंटी फंगल होती है और नाखून में जमे गंदगी को साफ करती है। ऑलिव ऑयल त्वचा को पोषण और नमी देता है। नींबू का रस हाथों में गजब की महक देता है। एक टब को गर्म पानी से भरे और उसमें 1 कप दूध मिलाए और कुछ चम्मच गुलाब जल के डाले। फिर अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक के लिए भिगोकर रिलैक्स करें। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो पैरों को नमी देता है और गुलाब जल त्वचा की जलन को शांत करता है। नाखून के आसपास की त्वचा का छिलना दर्दनाक और बदसूरत होता है, पर ये क्यूटिकल ऑयल जरूर मदद करेगा। 2 चम्मच हहोबा ऑयल को लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदों के साथ मिक्स करें। इसे अपने क्यूटिकल्स पर मसाज करें और अपनी त्वचा को इसे सोखने दें। होहोबा ऑयल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो क्यूटिकल्स पर सारे कट्स और त्वचा की पपड़ी को ठीक करते हैं और लैवेंडर ऑयल उन्हें शांत करता है। अपनी त्वचा पर की हुई सारी मेहनत को एक क्रीमी मॉइस्चराइजर से लॉक करें। 1 चम्मच शिया बटर, 1 चम्मच बादाम का तेल, 1 चम्मच बीज वैक्स को मिलाएं और सबको एक साथ पिघलाएं। इसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदे भी डालें। मिक्सर को फ्रिज में रखें और एक बेहतरीन कोमल त्वचा के लिए सोने से पहले इसे त्वचा पर लगाएं। शिया बटर और बीज वैक्स का मिश्रण न सिर्फ आपकी त्वचा को नमी देगा पर उस नमी को लॉक कर देगा। बादाम का तेल झुर्रियों को रोकेगा और लैवेंडर ऑयल त्वचा को आराम देगा। 1 चम्मच शिया बटर और 1 चम्मच बीज वैक्स के मिश्रण में 1 चम्मच नारियल तेल मिलाएं और सभी को एक साथ मेल्ट कर लें। अब इसमें कुछ बूंदे पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के डाल दें। ठंडा करने के बाद इसकी एक मोटी लेयर अपने पैरों पर लगाएं और अच्छे से मसाज करें ताकि त्वचा क्रीम को सोख ले। शिया बटर और बीज वैक्स त्वचा और एडियो को फटने से बचाएगा जबकि नारियल तेल पपड़ी से छुटकारा दिलाएगा। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल ठंडा और एंटी फंगल होता है जो आपके पैरों को कैंडी जैसा महका देगा। अब अपने पैरों को बंद जूतों में या नाखूनों के आसपास की सूखी त्वचा को छुपाने की कोई जरूरत नहीं। Until next time, stay tuned and stay glamorous.